पांचों पांडव छठी द्रोपता जाए हिमालय हाड गाड़ो बारह बरस तक करी तपस्या तो हमोती हमोश मौको नहीं दियो। ये देनदास भगवान कृष्ण का बहुत खास अजीज इंपोर्टेंट फ्रेंड कहवा तो बेहा पांडव बारह साल तक उबो भाई हमारा में हाड गाड़ दियो तो हमोती हमोश कोनी आई थारे भगवान कड़े आवेलो बारे ही कोनी आयो। देनदास जी महाराज के बाबूजी हा वलिया धान्य होवत है हरम नहीं आवे कण नहीं आया पांडवारे भगवान मने बताओ आप महाभारत रो युद्ध हुयो। बोले हाँ भियो पांडव पांच भैया कौरव सौ भैया यार सोचा होता तो पांचारी ठोक ठोक चटनी कर देता छोरे मुंडा के पांच कथा खजे मने आप बताओ पांडवारी रत्रो हागड़ी गुणो कुणो रत्रो द्रौड़ गुणो क्यों द्रौड़ तो श्री कृष्ण हो श्री कृष्ण नो विघ्न में गाड़िया चलाने की पुराट फूका देवता जोर आवे मारे तो ईश्वर करण बैठो करनो इन खाली मारे कोई महाभारत रो युद्ध कौन करना यार मारे कोई अट विघ्न में घोड़ा कौन चलाना सिर्फ आनो और फूंक दे के इसको खड़ा करना बस यही काम। भगवान विचार कर बेटा ने यादगिरी तो खोल दी किस भगवान निकल गया उठो निकल परान होले की इशारो कर थारो भगवान कौन नहीं आवेलो कोई आयो है तो मने बता। देनदास जी कहते पकाई अब आ जाओ हूं बताओ मारो भगवान कण आयो पपैयो बड़ जा करो ऊपर भवे सुजान आहेड़ी तिर सादियो मारो किस विद बचे प्राण। देनदास जी महाराज कहे पपैयो बड़ जा करो ऊपर भवे सुजान आहेड़ी तिर सादियो मारो किस विद बचे। देनदास जी महाराज कहे बाबूजी एक शिकरो हो हाँ शिकरो हो शिकरो उड़तो उड़तो गियो बड़ला मत है। बोले ठीक है भी बड़दार नीचे शिकारी हुआ शिकारी ने शिकार कौन मिलियो भी शिकरा ने देख पर वो शिकारी राजी भी हो चलो चिड़ी कमेड़ी नहीं मारी मारी आज शिकरा नहीं मारा बहु नहीं तो करा दोपहर वेगी हाल जिनोर नहीं आयो तीर में पोवा तो पोवा की मैं शिकरा ने देखी और वो शिकारी भी पपैया देख पुरन भी मारने की विचार करी वो पपैयो विचार करे शिकारी मैंने मार दे पपैयो कहीं करो जीवरो उकरालियो भी बड़ले को खोकाड़ो खोकाड़ के माए बढ़ गयो पपैयो आधो घंटो माए बैठ रही हो एक घंटो बैठ रही हो शिकारी तो वो तीर खांच पुरन भी खोकाल के माते के बाद तीर लगा बैठ गयो पपैयो आई पुरन बारला पाड़ मुंडो काट दे तो वह तीर मुंडे रे मत दियोड़ी बोले मौत तो आएगी आगे कुवार पीछे खाई माए पड़ो तो आपत आई कैडी करिए। और वो पपैयो देखियो नीचे तो शिकारी खड़ो नीवे तो ऊपर उड़ जाओ ऊपर ऊंचा नहीं देखो तो ऊपर एक शिकरो भवे वो शिकरो ही कहे मैं पपैया ने खत्म करूं शिकारी के मैं पपैया ने खत्म करूं शिकरा ना हो बाज को बाज बीर मतलब क्योंड़ो शिकारी बीर मत एक जीव रे दो काल पपैयो माइला पड़ जाए पर हा जोड़े रे दीनानाथ पा मैं 100 ग्राम को जिनौर जीर लारे पांच पांच किलारी दो पंचे रे बीर कर दी मारो बचनो की कर भी हो ऊपर जाऊं तो शिकारी मारे नीचे जाऊं तो ओ डाकी मारे ओ खचड़ उबो बैठो तनिया। देखो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है विश्वास करो पपैयो जार मया अरदास करी भगवान ने आरती करी हर भगवान विष्णु हाथों हाथ कालिंदार सर्प रवाना करियो हर वो सर्प आई पुरान भी शिकारी रे पकड़े बीरे पकड़े खायो यार वो तीर छूट गो खांगो खांगो छोटो जो ऊपर शिकरा रे पोईज गो भई तो मरगो श्यापू यार भई पोईज गो तीर हो एक जीवरा दो काल दोना ने भगवान खत्म कर दिया पपैयारा प्राण बचा दिया। शिरडी की मुट्ठी छुटी जात लगी सुजा आहेड़ी ने विष डस्यो मारो इस विद बच गयो प्राण भगवान प्राण बचा दिया पपैयारा। देनदास जी महाराज कहे जो पपैया ने बचाऊ आयो जो टीकू नहीं अबे आप बोले खिशकंदा हाँ खिशकंदा भगवान निकल गया उठो दर्शन पाउंडा गया नोले फाचाया। देनदास जी के कहीं कणुका ले बोले कणुका नहीं एक हमचार और याद आ गया बाबू जी हमचार तो थे क्यों बुंडा कलटा कहो ई मानो पढ़ाई पाचा हो कहीं मतलब तारो जाओ ना दखला करू खोटी वो खातिर लोग खेता जाता रही दाणा भी नहीं रह जाओ बोले दाणा नहीं एक हमचार कहनी चाहू तने फरमाओ कहीं कहे अरे राजा हरिश्चंद अरे तारामती रानी काशी नगर माये कुटम में भी क्यों राजा हरिश्चंद्र तारामती रानी रे काशी नगर माये कुटम में भी संसार गियो
भगवान की। राजा हरिश्चंद्र तारामती नार काशी नगर में कुटुंब भी क्यों, अरे रोहिताश ने सर्प नश्यो तो जीव तो नहीं करो। राजा हरिश्चंद्र घरे भगवान को नहीं आया, तारामती रही भगवान को नहीं आया, रोहिताश रही भगवान को नहीं आया। देनदास जी महाराज के बाबूजी हाव अलियो तान पीसो था क्यों जो को मारे पल्ले को नहीं पड़े, कड़े को नहीं आया। बोले को नहीं आया। देनदास जी महाराज के बाबूजी जिन समय रोहिताश खत्म रियो, बोले हाँ वियो। राजा हरिश्चंद्र बेटो खत्म वियो, बोले हाँ वियो। तो तारामती काई करियो, बोले मीनू लेर मशाणम गई दाग दे उने। तो मशाणम पोरो कुण को, बोले हरिचंद को। क्यों लगायो डो पोरो के बट कोई भी दाग दे उन आवे बिको टोल टैक्स लागतो, टक्को देवो और फिर दाग देवो। एक बस्ती रो नेम हो कोई गांव रो। राजा हरिचंद ने उठ पेरेदार बनायो, शाम रा बोडिया री गिनती वेती, सुबह शाम से कितना टक्का आया। बोले इता इता आदमी दुनिया छोड़ गया, ए टक्का पकड़ो राजा ने देना पड़ता। बा तारामती कही शाम रो 5 बजे रो टेम हो लीजार में लकड़ियां छोड़ने लगी। हरिचंद के आपरी पत्नी ने अबला आपरी लुगाई ने लुगाई नहीं क्यों, क्योंकि लुगाई कहते तो शत्रु उड़ जाओ, सत मत छोड़ मारा साहिबा सत छोड़िया पत जाए। यहां सोने को टक्को रख और पचे दाग दे। आपरी लुगाई ने कहे बेटे रे पड़ती। और बा तारामती ने आंखिया में आंसू आया, बोले टक्का हाजने तो गणाई हार, अबे शेर शेर होना पेड़ थी मोतीड़ा मरती बार, एक झोला लागा पौंदरा में घर घर की बणगी पणियार। हाजन तो किलो किलो होनो मेंटेन करती, पर अब मेरे पास कुछ नहीं क्योंकि मेरा शत मेरा पति ने मेरे को बेच दिया वेश्या के घर। तो राजा हरिश्चंद्र कहे ठीक है कोई बात नहीं, टक्को थरकने नहीं है तो गाँव मांगला। जरा बेटा री लाश ने छोड़ मशाना में दौड़ी दौड़ी गई गाँव में टक्को मांगने। साहब गाँव में मांगियोड़ो खुर्चनो कौन दे, टक्का कौन दे होनेरा, मांगियोड़ो खुर्चनो कौन दे, दे तो लड़ छोरा मैं जा भाभी गुरु खुर्चनो पाचो लिया। हाल तो लेगी होगरा दो होती लगे दांत पड़े लोग घड़ी तो घड़ी तो खुर्चनो रहूं दे। बोले हवा चला भूलना करा। अब दौड़ी दौड़ी गामे की, बोले मैंने टक्को देवो टक्को देवो टक्को देवो कौन दे होना रे टक्का। लोग भोगट में साहब जे कौन बोले। अरे बाप फिर ये कोई ब्राह्मण देवता रो घर मिलियो, अरे ब्राह्मण देवता रो घरू भी ने टक्को उधरो मिल गयो। अरे पुरन टाइम पटवा परस तो हाको नहीं, अरे बा ओण अरे पलेरे गांठ दे भी टक्का रिंग पटली टांग पर दौड़ी दौड़ी फाची आवे क्यों दिन आतनाड़ो बिने उतौड़ दूजी हुरु जात को तो पच मारो बेटा रो दाग नहीं पड़े। वो टक्को वाटे ओनेर पल्ले में गांठ दे आगे जोकम माता बहन ओनेर पल्ले में बांटती पटली टांग लेती। एर माया रूपी ऊंदरो आयो और ऊंदरो बेतोड़ी तारामती रे वो पल्लो कतर दियो। एर वो टक्को मार्ग में रह गयो। बट आर मशाणाम क्यों टक्को टक्को यहाँ करियो तो ओनेर पल्लो कतरियो। बोले धोखो वेगो टक्को तो लाई पण मारे हाथ जाल वेगी टक्को गम गयो कटे। तो राजा हरिश्चंद्र के कोई बात नहीं टक्को नहीं है तो सोनर तुस दे दे तुस दस्तूर कर दे। बोले लाऊ कटो। जब राजा हरिश्चंद्र के थार दांता ना महीने होनेरी चूंका बीड़ी उड़ी है दोनों दांता में ये चूंका ही बारे कार्ड ना ट्रक दे पर दस्तूर तो तने होनेरो करना पड़ी। सजनो एक माँ तारामती माँ आपरा बेटा रा दाग खातर लियो बाटो यार मुंडा माते भचीड़ दे देर पे दोनों दांत तोड़िया दांत तोड़िया जी तो हुर चांद को अब कहड़ी गई आनो दांत पाड़ दिया ना हुर चांद को हुर जी हाग बिना दाग अब खेड़ी गई है मुंडा मुंडो ही पड़े ए बेटा ने गोदी में लेड़ी कोई बात नहीं सुबह दे दिया तू सपन कन है दाग तो सुबह दे दिया। बेटा ने गोदी में लेड़ी बट मशाना में बैठ गई रात रा नींद आई यार वो मुंडो तारामती रो भी बेटा रे मत सुबह गांव में कोई चुगल को राको करियो कि डाकन बैठी मशाना में टाबरा ने खावे अगर दो चार जना जाए देखे तो हकीकत में ही मुंडा में खून पीड़ियो बच्चो मिलो वो सबूत मिल गयो। बोले हाँ आरो मतलब गाँव खाली आई करी अब आयु हरू भी है टाबरा ने हेंगिट जाइया जाना कहीं करा। बोले इन्हें मशाना में पोरो कुण को हरिचंद को इन लोगों ने चौराहे मत खड़ी कर हरिचंद ने कहो इरी गबड़ काटे अब खेड़ी करी साहब हरिचंद को तारामती रो मर्डर करावे चौराहे मत खड़ी राकर। अब हरिचंद किकर मारे आपरी लोगों ने लेकिन सत में बंदी उड़ा किता मोटा राजा हसा सत में बंदी जगा। राजा हरिचंद सत्यवादी राजा हुआ लेकिन सत माते रिया जाने आज मारो नाम अमर है चौराहे माते तारामती खड़ी। राजा हरिचंद ने मां नंगी तलवार देर कहो गबड़ उतार। राजा हरिचंद्र हाथ में कांपनी बढ़ गई। उन समय तारामती आपरी चोटी पकड़ माथे रा बाल ऊंचा करिया हर आपरा पति ने हेलो करियो सतमती छोड़ मारा साहिबा सत छोड़िया पत जाय अरे सतरी बांधी लक्ष्मी तने फेर मिलेगी आई ब्यूंदे तलवार। राजा पग वे तो पगर की गणी हर पगर की वे तो फेर नाला गणा अरे बेदली वे तो तुम्बा और लाग जाए मैं जाऊं तो राजा तने रानी और मिल जाए सतमती छोड़ना। हर राजा हरिचंद तलवार चलाई अरे गबड़ू दो हूत तलवार बची। इन समय तलवार ने कुण पकड़ी भगवान पकड़ी देनदास जी महाराज के बाद तलवार थे पकड़ी थारो कोई परिवार पकड़े रपाय त्या 2 घंटा भी आ
डोंडी मांड दी घर पीछे और पीला पीछे तलवार कुण पकड़ी थे आग में। बोले तलवार तो चार बुजारो नाथ पकड़ी, तलवार मारे ताटो कोई करोती पकड़ावनी को नहीं। मैं तो कौन कहूँ मारे कोई अटकड़ पड़ा पकड़ियो, मैं कोई लकड़ा पेरो थोड़ी बोलू हाट आनो पड़ी। हरिश्चंद्र आयो जो मारे आनो पड़ी। उन समय देनदास जी महाराज भगवान ने पाछो कहे हा अरे झूठोड़ो कलंक ये तारा मतीरे लागो तीरे लागो खंडो चलन को हुकम वियो भाई। झूठो कलंक तारा के बोलागो खंडो चलन को हुकम वियो हुकम वियो। अरे राजा तेज की हो पत्नी पर राजा तेज की हो पत्नी पर तनो पेला पकड़ लियो। ओ चीरे बिरमण ले मर ले रे ले लो रे ले लो ले लो राम चीरो रे नामी नामी हीरो चुकनी हरी नाम मेरो। वत्सल भगवान की बोलो विश्वकर्मा भगवान की। अभी भगवान बटू रवाना हो गया। देनदास जी महाराज के बाबूजी वश मामलो ठीक है थारे। भगवान जातोड़ा के राम जी को नहीं आवे ये बलि तारा है। हरिचंद्रा होना चाहे पांडवारा होना देनदास बीरे भरोसे भूखा मरेलो क्यों किंदौड़ करिया बैठो है टेमत है। गावरा ने बुलाए देनदास जी महाराज के क्यों नहीं आवे बिन लाज आई ना मारी थोड़ी कने। बोले कोनिया इलाज कोई राई वे तो मने बता देनदास जी के फाचाओ ए पगई तेरू बुला करा याद आएगी। बुलाए भगवान ने फाचा ताली रे पीछे। अब लाटो लाटे देनदास जी महाराज बहुत मार्मिक बात बोल गया कहीं कहो है। देनदास जी महाराज के मैं बताऊ मारो सावरियो कीरे घर आयो और कितना साला बाद में आयो हा? साला बाद में हाँ कितना वर्षों बाद में आयो। बोले बताओ। अरे इंद्र आयो ओ गौतम के मेला अहिल्या रानी ने शराप दियो भाई। इंद्र आयो गौतम के मेला अहिल्या रानी ने शराप दियो। भगवन जीवन दियो ये विश्वास भरोसा मारी भक्त जीना रति पूरे ओ पुत्रा की पेड़ा दी भगतरी पुत्रा की पेड़ा दी भगतरी कोई न हंद मन तारे ना इंदा हसमती कर रे कण पैड़ा चुग डोंडी सन सारे की ओरे सत्यनारायण भगवान की।